आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। एक बार फिर आईपीएल का कारवा यूएई जा रहा है और इसके लिए टीमों ने यूएई जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। अगले हफ्ते से टीमों के खिलाड़ी और बाकी स्टाफ यूएई के लिए उड़ान भरना शुरू कर देगा। आईपीएल के अब 31 मैच बचे हुए हैं और पहला मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा। पहला ही मैच 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस और 3 बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। इस बीच आईपीएल के दूसरे फेज को लेकर एक नया नियम सामने आया है जो अपने आप में अजब गजब टाइप का है और हो सकता है आपको हैरानी भी हो। आईपीएल ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी शायद ये नियम पहली बार लागू हो रहा है, तो आपको इस वीडियो में इसी नियम के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें और इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दरअसल खबर इस तरह की सामने आ रही है कि इस बार आईपीएल में दर्शकों को भी स्टेडियम में आकर मैच देखने की परमिशन दी जा सकती है। हालांकि इसके लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे और हो सकता है कि कुछ सीमित संख्या में ही दर्शकों को एंट्री दी जाए। इस बीच इनसाइड स्पोर्ट्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईपीएल के दूसरे फेज के लिए बीसीसीआई ने करीब 46 पेज की एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि मैच के दौरान अगर कोई बल्लेबाज छक्का मारता है तो उस गेंद को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसकी जगह नई गेंद लाई जाएगी और मैच उसी से होगा। मैच में जितने भी छक्के लगेंगे हर बार नई गेंद लाई जाएगी। माना जा रहा है कि ये नियम इसलिए लाया गया है कि दर्शकों की स्टेडियम में एंट्री होगी तो जब गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरेगी तो कोई ना कोई दर्शक उसे छुएगा जरूर और वही गेंद फिर गेंदबाज और बाकी खिलाड़ी छुएंगे, तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। इससे पहले जब भारत में आईपीएल हो रहा था तब सभी खिलाड़ी बायो बबल में थे, लेकिन इसके बाद भी कुछ खिलाड़ी और बाकी स्टाफ कोरोना के संक्रमण से घिर गए थे, इसीलिए आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया था। इस बार बीसीसीआई फूंक फूंक कर कदम रख रहा है ताकि कहीं से कोई भी गड़बड़ी ना हो। बता दें कि आईपीएल का पहला मैच 19 सितंबर को होगा और इसका फाइनल 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। सभी मैच यूएई के 3 स्टेडियम शारजहां, दुबई और अबुधाबी में खेले जाएंगे। इससे पहले जब कोरोना वायरस के कारण आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में हुआ था तब भी इन्हीं 3 स्टेडियम में मैच खेले गए थे। इसके बाद ही तुरंत T20 विश्व कप शुरू हो जाएगा। बता दें कि 10 अगस्त के बाद कभी भी टीमें यूएई के लिए रवानगी शुरू कर देंगी। वहीं इंग्लैंड में खेल रहे टीम इंडिया के खिलाड़ी सीधे इंग्लैंड से विशेष विमान से यूएई पहुंचेंगे। आईपीएल की हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी फटाफट कर दें। जाते जाते आपको याद दिला दें कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।